नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। धीरे धीरे हम हमारे सब्जेक्ट के कम्प्लीशन के नज़दीक आ रहे हैं और ये जो आखिरी चैप्टर है वो वैसे भी एक प्राइमरी कॉम्प्लीट ओवरव्यू ऑफ द अदर 5 चैप्टर्स है, क्योंकि पहले वाले 5 चैप्टर्स का कुछ ना कुछ फंडामेंटल पोर्शन इधर आ ही रहा है। और वैसे हम यहाँ पे क्रेडिट एनालिसिस कर रहे हैं तो क्रेडिट एनालिसिस में स्प्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने पहले भी देखा था व्हाट इज स्प्रेड, जो हमारे रिस्क फ्री बॉन्ड्स होते हैं और जो हमारे एक्चुअल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं या दूसरे इश्यूड बॉन्ड्स होते हैं, उनकी यील्ड और सिमिलर मैच्योरिटी का एक ट्रेजरी बॉन्ड ले लो, उनकी यील्ड में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो क्यों होता है? ड्यू टू मे बी लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक क्रेडिट वर्दीनेस, लाइक लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड सर्टन अदर पार्ट्स। तो उसको हम लोग अभी इस लेक्चर में एनालाइज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू एनालाइज सर्टन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस। देखो 5 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, क्रेडिट साइकिल, इकोनॉमिक कंडीशंस, फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्मेंस, ब्रोकर डीलर कैपिटल और डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। ये फैक्टर्स हम स्टडी करने वाले हैं एंड उनका यील्ड स्प्रेड पे क्या इंपैक्ट होता है। अब इसके लिए पहले हमें समझना है कि यील्ड स्प्रेड क्या होता है। तो यील्ड, ओवरऑल यील्ड ऑन ऑप्शन फ्री बॉन्ड्स क्या होगा? रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट्स प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, तो नॉमिनल बन जाएगा। मैच्योरिटी प्रीमियम अगर कुछ है तो वो, प्लस लिक्विडिटी प्रीमियम एंड क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड इज ड्यू टू क्रेडिट वर्दीनेस, जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर रहे थे कि कंपनी कैसी है, इश्यूअर की रेटिंग, इश्यू की रेटिंग, लेवरेज रेशियोज, कवरेज रेशियोज एंड सो ऑन। तो इन दोनों को कंबाइनली जब हम देखेंगे तो वो होता है हमारा यील्ड स्प्रेड। और यील्ड स्प्रेड मतलब लिक्विडिटी की कमी या क्रेडिट वर्दीनेस ऊपर नीचे की कमी जब भी होगी तो हमारा यील्ड स्प्रेड बढ़ेगा या कम होगा। तो हम ये देख रहे हैं कौन से फैक्टर्स है जो हमारे यील्ड स्प्रेड को कम ज्यादा करते हैं। यील्ड स्प्रेड अगर बढ़ेगा तो हमारा यील्ड मतलब YTM बढ़ जाएगा, और YTM बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा। आई होप आप यहां तक तो अभी क्लियर है। और हमारी यील्ड स्प्रेड कम होगा, नैरो होगा, तो क्या होगा हमारा ये ओवरऑल यील्ड जो है वो एक्सपेक्टेशन कम होगा, तो डिनोमिनेटर जो YTM हम डिवाइड करते हैं आई बाय वाई जो हम कैलकुलेटर में लेते थे वो कम हो जाएगा, तो हमारा बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा। तो राइटली सो, बिकॉज अगर क्रेडिट स्प्रेड ज्यादा है मतलब हमारी क्रेडिट वर्दीनेस पुअर हो रही, पुअर हो रही तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी और प्राइसिंग कम होगी। क्रेडिट वर्दीनेस बेटर हो रही है तो हमारा जो ओवरऑल यील्ड है वो थोड़ा नैरो हो जाएगा, वो नैरो होगा तो डिनोमिनेटर कम होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट वर्दीनेस बेटर हो रही है तो रिस्क कम हो गया है। तो ये प्राइमरी इंटरप्रिटेशन, में पीछे के चैप्टर्स के टॉपिक्स को दो दो लाइन में बीच में फटाफट इसीलिए बोलता हूं सो दैट दिमाग में वो हमारे सेट रहे, और क्या पता जब आप एग्जाम दे रहे हो तो ऐसा ही कोई डायलॉग आपके दिमाग में आ जाए, याद रह जाए, उससे बड़ी सफलता हमारे लिए एज अ टीचर कुछ नहीं होगी। कि इफ यू रिमेंबर दीस थिंग्स एंड दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, के वी यूज दीस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स इन बिटवीन अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन रिमेंबर देम थरली बिफोर अपियरिंग फॉर द एग्जाम्स। तो यील्ड स्प्रेड क्या होता है फिर से देखते हैं। यील्ड स्प्रेड इज लिक्विडिटी और क्रेडिट के कारण जो प्रीमियम हम ऐड करते हैं बॉन्ड की यील्ड मतलब एक्सपेक्टेशन पे। तो इनमें 5 फैक्टर्स हम स्टडी कर रहे हैं, बहुत सिंपल फैक्टर्स है। क्रेडिट साइकिल मतलब बेसिकली उधारी वाला पार्ट। तो अगर क्रेडिट साइकिल एकदम प्रॉपर चल रहा है, लोग पैसा मैं उसको बराबर दे रहा हूं, वो उसको बराबर दे रहा है, वो उसको बराबर दे रहा है, अगर ये पूरा गवर्नमेंट, जो हमारी फेडरल बैंक है वो, जो बैंक्स नॉर्मल बैंक्स है वो, ठीक है, और जो इन्वेस्टर्स है वो, उन सबके बीच में एक प्रॉपर समन्वय बना हुआ है और क्रेडिट साइकिल ब्रेक नहीं हो रहा तो हमारा जो स्प्रेड है वो कम रहेगा, और अगर वो डिटेरिएट हो रहा है तो स्प्रेड है वो वाइडन हो जाएगा। स्प्रेड वाइडन होगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि क्रेडिट साइकिल का डिटेरिएट होना एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। सो क्रेडिट स्प्रेड मतलब ये वाला पार्ट हो गया, क्रेडिट स्प्रेड बढ़ेगा तो यील्ड स्प्रेड भी बढ़ेगा, ठीक है। तो क्रेडिट स्प्रेड वाइडन्स व्हेन क्रेडिट साइकिल डिटेरिएट्स एंड वाइस वर्सा, मतलब क्रेडिट स्प्रेड नैरोज व्हेन क्रेडिट साइकिल इज इन फुल ब्लूम, मतलब सब एक दूसरे को टाइमली पैसा का कलेक्शन या बेस हो रहा है, कुछ डिफॉल्ट नहीं हो रहा तो हमारा क्रेडिट स्प्रेड जो है वो नैरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिस्क कम है। और अगर क्रेडिट साइकिल डिटेरिएट हो रखा है तो हमारा क्रेडिट स्प्रेड वाइडन हो जाएगा, क्योंकि पैसा का आवागमन में कहीं ना कहीं खटकाहट हो रही है।
सेम पैटर्न में इकोनॉमिक कंडीशन, अरे ये तो बड़ा सिंपल है, इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है तो ओवरऑल रिस्क थोड़ा कम होगा, तो क्रेडिट स्प्रेड जो है वो क्या हो जाएगा, नैरो, और इकोनॉमी वीकन है, वीक पोजिशन में है तो क्या होगा, थोड़ा किंतु परंतु होगा, और अगर किंतु परंतु होगा तो हमारा जो क्रेडिट स्प्रेड है वो वाइडन हो जाएगा, तो क्रेडिट स्प्रेड वाइडन्स एज इकॉनमी वीकन्स एंड क्रेडिट स्प्रेड नैरोज एज इकॉनमी डज गुड, क्योंकि इकॉनमी अच्छा करेगा तो ये जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, वो रिस्क कम होगा तो यहां पे ये भी छोटा हो जाएगा बॉन्ड की प्राइसिंग के लिए, वो अच्छी बात है, ठीक है। फिर आता है फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्मेंस, इसमें इक्विटी इंक्लूडेड है, याद रहे फाइनेंशियल मार्केट अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बॉन्ड मार्केट बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है, रिस्क कम होगा तो क्रेडिट स्प्रेड नैरो हो जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, स्केप्टिकल है, पता नहीं है, तो उस केस में हमारा रिस्क अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगा तो क्रेडिट स्प्रेड जो है वो क्या हो जाएगा, वाइडन हो जाएगा। सो क्रेडिट स्प्रेड वाइडन्स इन वीक परफॉर्मिंग मार्केट एंड क्रेडिट स्प्रेड नैरोज इन बेटर परफॉर्मिंग मार्केट इंक्लूडिंग इक्विटी मार्केट्स। देन आता है ब्रोकर डीलर कैपिटल, इसको बोलते हैं मार्केट मेकिंग कैपिटल, मतलब ब्रोकर्स डीलर्स जब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे ना तो वो अपने एंड पे बहुत मार्केट मेकिंग करते हैं, ये ले लीजिए ना, मैं पैसा थोड़ा प्रोवाइड करता हूं, थोड़ा लेवरेज दे देता हूं, बस आप पार्टिसिपेट तो करो, इसको मार्केट मेकिंग सिनेरियो बोलते हैं, नया आईपीओ लेके आना, अगेन इट्स अ मार्केट मेकिंग पार्ट। सो जब ब्रोकर डीलर के तरफ से सब्सटेंशियल कैपिटल का फ्लो हो रहा है तो वो उनका पॉजिटिविटी बता रहा है रिलेटेड टू द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ बॉन्ड मार्केट्स, और तभी तो वो पैसा डालने को रेडी है, तो अगर उनका सब्सटेंशियल कैपिटल पार्टिसिपेशन है दैट मींस के हमारा क्रेडिट रिस्क जो है वो थोड़ा कम है, तभी तो वो पैसा लगाने को विलिंग है, तो क्रेडिट स्प्रेड नैरो होगा और वो वाइडन हो जाएगा अगर उनकी तरफ से अमाउंट ऑफ कैपिटल कम है। वो अगर ऐसा बोल रहे हैं नहीं नहीं तुम देखो मेरे को नहीं पता, तो अगेन वो एक इंडिकेटर है कि दे आर स्केप्टिकल। सो यील्ड स्प्रेड वाइडन्स व्हेन ब्रोकर डीलर डू नॉट प्रोवाइड सफिशियंट कैपिटल एंड वाइस वर्सा। और आखिर में आता है जनरल डिमांड एंड सप्लाई, तो जनरल डिमांड एंड सप्लाई मतलब डिमांड बहुत लो है या सप्लाई बहुत एक्सेस है, तो गैप आ रहा है, तो क्रेडिट स्प्रेड वाइडन्स इन लो डिमांड क्योंकि लिक्विडिटी इश्यू हो जाएगा, ठीक है, और एक्सेस सप्लाई सिचुएशन। तो ये पांच ऐसे पार्ट है जो ज्यादातर क्रेडिट स्प्रेड को इफेक्ट करते हैं पर लिक्विडिटी को भी इफेक्ट करते ही हैं। सो ओवरऑल हमारे यील्ड स्प्रेड को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, इस पे एक मार्क का क्वेश्चन कभी भी, एक पॉइंट का क्वेश्चन, एक मिनट का क्वेश्चन कभी भी बन सकता है ऑन द एग्जाम डे, के कोई एक दे दिया फाइनेंशियल मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, क्रेडिट स्प्रेड पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्रेडिट स्प्रेड जो है वो नैरो होगा या वाइडन होगा वो बताइए, तो आपको अकॉर्डिंगली उसका आंसर दे देना है। दिस इज वन मोर टॉपिक विच इज थियोरेटिकल इन नेचर इज डन, आई होप आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, मजा आ रहा है आपको एंड आप चीजें लिखित में रख रहे हैं सो दैट आप रिविजन अच्छे से कर पाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।